शुक्ला अब हमारे बीच नहीं रहे। वीरवार की सुबह दिल का दौरा पड़ने के कारण सिद्धार्थ का निधन हो गया। कूपर अस्पताल के डॉक्टर्स ने सिद्धार्थ की जांच की और करीब 10:30 पर उन्हें डेथ बिफोर अराइवल घोषित कर दिया। आपको बता दें, यहाँ सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद उनका पोस्टमार्टम शुरू हुआ। रिपोर्ट आने में 4-5 लगे और इन सब के बाद पुलिस ने इस मामले में सिद्धार्थ के सभी करीबियों से पूछताछ की। सिद्धार्थ शुक्ला की मां ने बेटे के निधन पर अपना बयान दर्ज कराया। मुंबई पुलिस को क्या कुछ कहा, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले सिद्धार्थ शुक्ला की मां रीटा शुक्ला ने इस मामले में किसी तरह के फाउल प्ले होने की बात से इनकार किया। पुलिस को दिए बयान में कहा, रात तक सिद्धार्थ मेरा बेटा पूरी तरह ठीक था, रात को खाने के बाद सोने चला गया, लेकिन सुबह वो सो कर ही नहीं उठा। जानकारी के अनुसार सिद्धार्थ ने रात में कुछ दवाइयाँ खाईं। सुबह जब उनकी माँ ने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। सिद्धार्थ की माँ ने उसी बिल्डिंग में रह रही अपनी बेटी और दामाद को बुलाया, जिसके बाद घर पर डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने सिद्धार्थ को चेक किया और फिर उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है, सिद्धार्थ की माँ अपने बेटे को सोए हुए देख रही थी, लेकिन जब सिद्धार्थ के सोने का तरीका माँ को अटपटा लगा तब माँ ने अपनी बेटी और दामाद को बुलाया। खैर, सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच नहीं है। उनकी कमी इंडस्ट्री को, उनके चाहने वालों को, उनके परिवार को हमेशा खलेगी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।